उस सच्चे वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जी। यीशु ने लोगों को बुला के कहा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, आई विल गिव यू रेस्ट, आई विल गिव यू रेस्ट। हालेलुया, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हम सबको विश्राम चाहिए। इन वन और एरिया और अनदर एरिया वी ऑल आर स्ट्रगलिंग। साम्स नंबर 42 हम पढ़ा था। हम अपने जीवन के एक नहीं तो दूसरे क्षेत्र में जूझ रहे हैं, जैसे हमने भजन संगीता 42 में पढ़ा है। परमेश्वर दास ने उस वजन बताया। The servant of God told that verse. उसी वजन से जुड़ा हुआ कुछ बातों में आपको बोलने के लिए मेरे मन के अंदर एक आशा आया। Hallelujah. And I have this desire in my heart that I want to add to that verse. क्योंकि प्रभु का आत्मा वही बातें हमसे कहना चाहते हैं। Because the Spirit of God wants to speak the same things to us. Psalms number 42 ऐसे एक भजन संगीता है। Psalms 42 is such a psalm. एकदम टूटा हुआ दिल के साथ में किसी का प्रार्थना है वो। It is the prayer of a broken-hearted person. उन्होंने कह रहे हैं, मैं जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहता हूँ। He says, I want to come in the presence of the living God. वो confess कर रहे। He confesses, My God is living. मेरा परमेश्वर जिंदा है। दुनिया में कोई भी जगह जो जिस जगह को कुछ आत्मिक रूप में लोग दुनिया देखते उधर जाने का इच्छा नहीं रखा है। He did not have the desire to go to any place in the world where people want to go. जहां कोई पानी नहीं है वैसे सूखे सोते के पास जाने का इच्छा नहीं रखा है। He did not have the desire to go to a dry fountain where there was no water. लेकिन जहां हम जीवन का जल का नदी है, जीवन का जल उपलब्ध है, उस जो जीवित परमेश्वर का उपस्थिति में जाके उसको प्यास को मिटाने का बहुत बड़ा आशा इस भक्त ने रखा है। But he had the desire of committing himself into the presence of God, where living streams of water flows, where the living God dwells, so that he can quest his thirst. Duniya bahut pyaasa hai. The world is very much thirsty. Unko pyaas ka bujhane ke liye idhar udhar bhadakte rehte. They scatter here and there for quenching their thirst. Unko janta nahi hai kahan se unka aatmik pyaas ko bujhane wala pani milega. Hallelujah. They do not know where can they find the spiritual water which can quench their thirst. बाइबल में हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में We can see in the Bible in John chapter 4 एक शमरियोनी स्त्री को हम देख सकते हैं। We can see a Samaritan woman. उस भाग में ऐसे लिखा है। In that portion it is written. यीशु उस शमरियोनी का गांव का उस फाटक तक पहुंचा। When Jesus entered into the border of Samaria. यीशु हालेलुया उस जो कुआ ना तो वो वेल का किनारा में बैठा। Jesus was sitting beside the well. Last week हम अपने prayer cells में जो subject रखा, उस subject we are learning that subject called Christology. मसीह यीशु के बारे में कुछ बात हम सीख के आ रहे हो। Hallelujah. In the previous fasting meetings that we have kept, we have been learning about Christology. तो उसमें last week का subject कौन सा था? So what was the subject of last week? Lesson 5 क्या था? यीशु का कम से कम लीडर्स बोलिए ना, क्योंकि आपको तो सीख के बताना पड़ेगा। बोलिए, डीटी एंड ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का ईश्वरीयता और यीशु मनुष्य, इसके बारे में हम सीखा था। वी हैड बीन लर्निंग अबाउट द डीटी एंड ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो यीशु पूर्ण तौर से मनुष्य करके हम सीखा। वी लर्न्ड दैट जीसस वाज कंप्लीटली ह्यूमन। एट द सेम टाइम पूर्ण तौर से वो परमेश्वर भी है। At the same time, he's also completely God. आधा परमेश्वर आधा इंसान नहीं है। He's not half man and half God. पूर्ण तौर से परमेश्वर, पूर्ण तौर से हालेलुया, हालेलुया, इंसान भी। हालेलुया। In its fullness, God is also a human. तो अध्याय 4 से, यूहन्ना का अध्याय 4 से एक आयत उस जो नोट में मैंने लिखा था। So what I had written in the note of John chapter 4. उस जो आयत प्रूफ दे रहे, यीशु पूर्ण तौर से इंसान था। That chapter gives us the proof that Jesus was completely human. क्योंकि एक इंसान को जो भी feelings होते, जो भी अनुभव होते, यीशु को सब कुछ हुआ था। Hallelujah! Because whatever emotions that a human feels, the same emotions were also felt by Jesus. इंसान को भूख लगते। A human feels hungry. Bible में लिखा है यीशु को भूख लगा। In the Bible also it is written Jesus was Normal hungry. Normal इंसानिक शरीर में हो रहे वो यीशु को लगा। In a normal human body, whatever happens was also happening in Jesus. इंसान को प्यास लगते। A human feels thirsty. यीशु को प्यास लगा। Jesus also felt thirsty. यीशु को उस अध्याय 4 में लिखा है, यीशु को तक्कापन लगा। Can you believe that? In John chapter 4, it is written Jesus felt tired.
Jesus felt tired. यीशु मसीह को थकावट लगा. How it is possible? ये कैसे संभव है? इसे हो सकते हैं क्या? Can this be possible? कभी-कभी अपना मन के अंदर ऐसे एक सोच आएगा, प्रभु मैं परमेश्वर का बच्चा होके ये क्यों मेरे साथ में हो रहे? Sometimes we feel being a child of God that why is this happening to me? क्यों मेरे शरीर में बीमारी आ रही? Why is this disease coming in my body? मैं अपना एक प्रेयर सेल में मैं पिछले हफ्ते कहा, देखो यीशु को बीमारी भी आ सकते था. Hallelujah. In my previous fasting meeting cells I also told Jesus could also have possibly been sick. बीमारी आ सकते था उनका शरीर में. He could have been sick. क्योंकि आदमिक बॉडी एक इंसान को है पूर्ण तौर से उसी शरीर में उन्होंने आया. Hallelujah. Because he came completely in the form of a human. हंकर, प्यास ना, भूख, प्यास, तकापन, ये सब कुछ यीशु अनुभव किया करके वजन में स्पष्ट दीदी में. Hallelujah. Jesus felt hungry, thirsty and weary. It is mentioned in the Bible. Our Old Testament make reference. In the Old Testament there is a reference. Isaiah 53 में. Isaiah 53 में. वो बीमारी को क्या अनुभव किया था और बीमारी उसका एक आदत बन गया था लिखा है. He felt sick and sickness became a habit for him. हमेशा बीमार होते था. All the time he was sick. Pastor, क्या बोल रहे? यीशु के बारे में बोल रहे? Pastor, what are you telling? Are you saying about Jesus? नहीं नहीं, मैं वचन से कहा, Isaiah 53 से कहा. No, I'm speaking from the word. It is written in Isaiah 53. तो आपका शरीर में कभी बीमारी आएगा. So whenever sickness comes in your body, कुछ परमेश्वर के बच्चों पूछते हैं, Lord, I am a child of God, then how bimari can come into my body? कुछ परमेश्वर के बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि परमेश्वर मैं तो तेरा संतान हूँ, तो मेरे शरीर में ये रोग क्यों आ रहा है? That's why last week I said. इसलिए मैंने पिछले हफ्ता कहा. Old Testament is like homeopathy. Hallelujah. जो पुराना नियम है वो होम्योपैथी के समान है. New Testament is like allopathy. और जो नया नियम है वो allopathy के समान है. So what is the difference? इसमें अंतर क्या है? In homeopathy their slogan is prevention is better than cure. पुराने नियम में उनका जो ये वाक्य है वो इस प्रकार कहते हैं कि prevention is better than cure. मतलब बीमारी आने से रोकना चंगाई से अच्छा है. Hallelujah. Prevention is better than cure. बीमारी नहीं आना है. Sickness should not come. परमेश्वर का बच्चा को बीमारी नहीं आएगा. The children of God won't fell sick. बीमारी को prevent करेगा. They will prevent the sickness. लेकिन नया नियम उल्टा है. But the New Testament is completely opposite. Allopathy जैसे. It is like allopathy. Hallelujah. Hallelujah. कहते हैं ना homeopathy बहुत slow काम करने वाले इलाज है. Because homeopathy effects very slowly. लेकिन allopathy ऐसे नहीं है. But allopathy isn't like that. बीमारी आया तो भी चंगाई है. Hallelujah. Even if we are sick, we will be healed. उसके इफेक्ट, उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट बहुत पावरफुल है. The effect of allopathy is very powerful. By the virtue of the shed blood of Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह के उस बहाए हुए लहू के गुण के द्वारा. Bible says that by his stripes we are healed. Hallelujah. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं. बीमारी आएगा लेकिन यीशु हमें चंगाई. Hallelujah. Sickness will come but Jesus will heal us. इस बॉडी में आप जब रहेगा. Until you are living in this body, प्यास आएगा, you will feel thirsty, थकापन आएगा, you will feel weary, कभी-कभी निराशा आएगा, sometimes you will also feel disappointed, depression आएगा, sometimes you will also feel emotions. Hallelujah, सब कुछ human body में हो सकते हैं. All of these emotions can be there in a human body. So do not evaluate your spiritual strength or spiritual growth by your feelings. Hallelujah. इसलिए आप अपने आत्मिक जो भावना है, आपके जो आत्मिक बढ़ोतरी है, उसको अपने उस भावनाओं के साथ तुलना करके ना देखें। आपको कोई बीमारी आ गया, कोई निराश आ गया, आप मत सोचो आप spiritually very very weak, बहुत कमजोर है, इसलिए सब कुछ हो रहे. No, do not measure your spiritual strength using that kind of things. Hallelujah. Whenever you are sick, don't feel that I am getting spiritually weak, that is why I am getting sick. आप अपने आत्मिक बढ़ोतरी को आपकी भावनाओं के साथ ना मापें. Hallelujah. यीशु के साथ में सब कुछ आया था. All of these things were there with Jesus. थकापन आया. Clearly, John chapter 4, it is written that he felt weakness. Hallelujah. स्पष्ट तौर से यूहन्ना 4 के उस अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह भी थका था. बहुत दूर चल के आया ना. He walked a very long way. अभी मैं थोड़ा बैठना चाहता, थक गया. Hallelujah. So that's why I want to sit for some time. I'm tired. Can you imagine that? क्या आप ये तुलना कर सकते हैं? उसका deity, उसका ईश्वरीयता में नहीं है. Not on his deity. उसका ईश्वरीयता में, hallelujah, he is omnipotent. क्योंकि अपने ईश्वरीयता में यीशु मसीह सर्वव्यापी है. But
in his human body, lekin uske sharirik sharir mein, uska jo incarnation ho gaya body mein, in his incarnated body, he felt weakness, use kamzori laga, unhone jaake us jo kuwa ka kinare mein baitha, he went and sat beside the well, aur samariyavasi stri aaya, that samarite woman came, unse pani manga, Jesus asked for water. तक्के बैठा है. He was sitting there tired. थोड़ा पानी पिएगा तो. He thought if I drink water, हालेलुया, थोड़ा आराम मिलेगा. I will get some rest. लेकिन उसी समय में. But at the same time, प्रभु समझियो ने स्त्री से बात करना भी चाहते हैं. He also wanted to speak to that Samaritan. क्या बात करना चाहते हैं? What did he want to speak? उनके अंतर हालेलुया सिर्फ शरीर का तकापन को दूर करने का उस जो प्यास नहीं और भी कुछ प्यास है. Hallelujah. Because Jesus not only was feeling thirsty for removing his physical tiredness, he also wanted to quench some other thirst. He was thirsty. Yeshu Masih pyasa tha. Kaun sa thirst tha? Kaun sa pyas tha? What kind of thirst was it? Unka sharir mein jo takapan ko dur karne ke liye pani peena chahta tha. He wanted to drink water to remove the weakness and the tiredness from his body. But the lady who came there, lekin jo stri wahan par aayi thi, unhone पानी लेने के लिए आया, उनके शरीर का तकापन को दूर करने वाला, प्यास को दूर करने वाला पानी लेने के लिए आया. She came there to remove the weakness in her physical body to that well. But at the same time, लेकिन उसी समय में यीशु उनकी अंदर ही अंदर देखा. Jesus saw within her. हालेलुया, उनकी जीवन में अलग अलग चीजों का प्यास रहता है. Hallelujah. Jesus saw that there were different kinds of thirstiness in her life. कुछ लोगों के अंदर अलग अलग चीजों के लिए प्यास रहता है. Hallelujah. In some people there are thirst for different kinds of things. अलग अलग चीजों के लिए भूखा रहता है. They are hungry for different kinds of things. कुछ पाप के लिए कुछ लोग भूखा रहते हैं. Some people are thirsty and hungry for sin. कुछ पाप का बातों के बारे में they are very thirsty about that. Hallelujah. Some people are very thirsty about matters related to sin. सांसारिक जिस्म का अभिलाषाओं के लिए प्यासा रहने वाला. Hallelujah. They are thirsty for the carnatic desires of the world. उस स्त्री को यीशु ने जब डिसर्न किया, when Jesus discerned that woman, Jesus came to know. यीशु मसीह को ये पता चला. उनकी अंदर ऐसे प्यास रहते. There is one thirst in her. Hallelujah. ऐसे एक अग्नि उनके अंदर जल रहे. There is a burning desire in her. वो कुछ भी दीदी से बुझा नहीं पाया. She hasn't been able to quench that thirst in any way. यीशु ने उनको discern किया. Jesus discerned her. क्या कहा मालूम है? What did he say? Hallelujah. देखो, if you need the water, जो पानी आपको चाहिए, जो आपकी आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए. Hallelujah. Jesus told, you need water which can quench your spiritual thirst. मैं तीन तरह का प्यास के बारे में कहा. I have now spoken about three kinds of thirst. मैं प्रिपेयर करके लाया नहीं. I did not come here prepared with this word. Holy Spirit is talking to someone, I believe. लेकिन पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है. तीन तरह का प्यास कहा. There are three kinds of thirst. एक मामूली अपना शरीर में जो तकापन को दूर करने वाला अपना शरीर का प्यास. One thirst is the common thirst which we feel to remove the weakness from our physical body. दूसरा प्यास. The second kind of thirst. शरीर का पाप का अभिलाषा का एक प्यास. To fulfill the desires of sinful desires of the flesh. तीसरा एक प्यास. There is a third kind of thirst. Spiritual life का एक प्यास. The thirst of a spiritual life. यीशु ने उनको क्या कहा मालूम है? What did Jesus tell to that woman? यीशु ने उनको कहा स्पिरिचुअल लाइफ का प्यास को मैं बुझा सकते हैं. Hallelujah. He told that I can quench the spiritual thirst. ऐसे पानी में दे सकते हैं. I can give you a water. वो पानी पिएगा तो फिर तुम कभी भी प्यासा Hallelujah. नहीं रहेगा. That if you drink that water you will never again be thirsty. Hallelujah. Hallelujah. पूर्ण तौर से तेरा आत्मिक प्यास मिट जाएगा. वैसे पानी मैं दे सकता. Hallelujah. I can give you a water which can completely quench your spiritual thirst. उनको जल्दी समझ में नहीं आया. But that lady wasn't able to comprehend that. She thought that he is talking about the physical water which she came to draw. उस स्त्री ने ऐसा सोचा कि यीशु मसीह जो शारीरिक पानी के बारे में बोल रहे, जो शारीरिक प्यास को बुझा सकता है. यीशु ने उनको कहा नहीं, उस पानी के बारे में नहीं कहा. Jesus told her, no, I'm not talking about that water. अंदर से उमड़ने वाला एक तरह का पानी के बारे में कह रहा. I am speaking about a water which comes from within. She got so excited. वो इतनी ज्यादा खुश हो गई. Hallelujah. Hallelujah. She said that I need that water.
और उसने कहा कि मुझे ये जल की जरूरत है। बट यीशु ने एक कंडीशन रखा। बट जीसस पुट वन कंडीशन। लिसन मी माय डियर चर्च। मेरे प्रिय कलीसिया आप मुझसे सुनिए। कंच योर स्पिरिचुअल हंगर और थर्स्टीनेस। अगर आप अपने आत्मिक भूख या प्यास को मिटाते हैं। देयर इज सम टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस। टर्न टू योर नेबर एंड से एवरी ब्लेसिंग्स कम एवरी प्रॉमिसेस ऑफ गॉड कम विद terms and conditions. अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहिए कि हर एक आशीष और हर एक वायदा जो है वो एक कंडीशन के साथ आता है। If you are ready to press the accept button, hallelujah. अगर आप उस accept button को दबाने के लिए तैयार है तो कोई सॉफ्टवेयर में ऐसे होता नहीं, you have to accept all the terms and conditions. कुछ कुछ हम जो सॉफ्टवेयर में देखते हैं हमें सारे प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस को regardless what is written there. और वो दिखाता है क्या क्या लिखा हुआ है। Yesterday I was talking to one of our brother and he said that pastor they gave a terms and condition of 500 pages. पिछले दिन में मैं अपने एक भाई से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे 500 पन्ने का एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेपर मिला। It is not possible to read each and every line in that terms and conditions. Hallelujah. और उस 500 पन्ने को हर एक पन्ने को पढ़ने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है। When they call you to an office and ask to put a signature there, you are not going to read all that 500 pages. जब वो अपने दफ्तर में बुलाते हैं उस टर्म्स एंड कंडीशन को साइन करने के लिए तो आप हर एक पन्ने को नहीं पढ़ सकते। To get something, you are going to blindly sign the document. Am I right? Hallelujah. अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आप अंधा बनकर उस terms and conditions को sign कर लेंगे। फिर बाद में कुछ गड़बड़ाएगा तभी वो लोग कहेगा देखो there was a time like this. Then only we will come to know we blindly signed on the terms and conditions. Whenever there is some trouble in the future, they will come and tell that there was a clause in this term and condition. Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? Sometimes Christian life is like that. कुछ कुछ समय में जीवन भी इस प्रकार है. When we are in need, we come to Jesus and say, Lord, I'm ready to accept anything. Hallelujah. जब हम जरूरत में होते हैं, हम तभी यीशु मसीह के पास आके कहते हैं कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ. जो भी demand करेगा, वैसे मैं जिएगा. Hallelujah. In whatever demand that you give, I will live like that. हम accept button press करेंगे. Hallelujah. I will press the accept button. Then after some time. कुछ समय के बाद when Jesus will tell that बेटा मेरा स्क्रिप्चर में ऐसे लिखा है you have to follow this then we'll be in trouble. Hallelujah. After some time when Jesus says son daughter I had written this in my word are you listening me? Are you listening? आप मुझे सुन रहे हैं? यीशु ने कहा Jesus told the Samaritan woman if you really want to quench your thirstiness अगर तुम सचमुच में अपने आत्मिक प्यास को बुझाना चाहते हो spiritual thirstiness आपके आत्मिक प्यास को बुझाना चाहते हो ऐसे पानी तुझे चाहिए तो if you want that water जो तुम कभी भी फिर प्यासा नहीं रहेगा which will never make you thirsty there again there is a condition उसके लिए एक चुनौती bring your husband अपने पति को लाओ what is the problem in bringing your husband पति को लाने में क्या समस्या है now she is in trouble अब वो मुसीबत में है Hallelujah. उन्होंने जल्दी यीशु से कहा देखो मुझे पति नहीं है She quickly replied to Jesus that I don't have an husband. मुझे पति नहीं है I don't have a husband. उन्होंने सच कहा था She told the truth. तो यीशु ने तुरंत उनसे क्या कहा Immediately Jesus yes, replied. I know that that's why I asked to bring your husband. हाँ मुझे पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने पति को लेकर आओ क्योंकि मुझे जानते हैं Because I know. पांच पति तेरे साथ में था There were five husbands with you. Now you are staying with a sixth person. And currently तुम छठे पुरुष के साथ हो। वो तेरा पति नहीं है। He is not your husband. इसका मतलब क्या है? What does this mean? She is in a living relationship. वो एक living relationship है। Am I right? Hello. Officially शादी किया हुआ पांच दाव divorce हो गया। Officially she had married to five husbands and divorced all of them. Or the sixth one, hallelujah. जो छठा है। She is just staying with him. वो केवल उनके उनके साथ जी रही है। How she is thirsty about her carnal. Hallelujah needs hallelujah ye darshata hai ki wo kis prakar se apne sharirik zaruraton ke liye pyaasi hai she is not satisfied with the worldly things wo is sansarik cheezon ke sath see she is running after all that worldly pleasure hallelujah sansarik cheezon ke sath wo santusht nahi hai sare sansarik baaton ke piche bhag rahi hai Jesus issue ne kya kaha what did Jesus say until and unless you correct that area in your life jab tak tum us galti ko apne jeevan mein nahi sudharte us jo paap ka पीछे भागने वाला स्वभाव उस दुनिया का उस पाप का क्या बोलते उस जो कठोर का पीने का स्वभाव नहीं छोड़ेगा तो तुझे अनंत काल तक रहने वाला अंदर से उमड़ने वाला उस जो पवित्र आत्मा का जल पा नहीं पाएगा unless and until you don't remove that habit of drinking from that worldly water from the worldly well you won't be able to receive that eternal fire of the holy spirit in your life there is a condition उसके लिए एक कंडीशन है इफ यू वांट टू स्पिरिचुअली हालेलुया फिल्ड अगर आप आत्मिक तौर से भरपूर होना चाहते हो तो स्पिरिचुअल थर्स्टनेस निकल जाना चाहिए तो
अगर आपके आत्मिक प्यास को आप बुझाना चाहते हो, दुनिया का कुछ प्यास को आपको हटाना पड़ेगा. यू नीड टू रिमूव सम ऑफ योर वर्ल्डली थर्स्ट. पाप का कुछ स्वभाव को हटाना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिमूव सम ऑफ योर सिनफुल. आई गॉट अ मैसेज. पिछले दिन मुझे एक संदेश आया फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स इन आवर चैनल. हमारे चैनल में से एक जो व्यूअर है, she said that pastor, I feel myself that I am a Samaritan woman. उन्होंने ऐसा कहा कि पास्टर मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं वो सामरी स्त्री के समान हूँ. She, you know, she openly says that I feel that, like that I am a Samaritan woman. वो खुलेआम कह रही थी कि मैं उस सामरी स्त्री के समान महसूस करती हूँ. I came to Jesus. मैं यीशु के पास आई. But after my husband's death. मेरे पति के मृत्यु के बाद. Hallelujah. I was in relation with five people. Hallelujah. मैं पांच लोगों के साथ. So I myself feel that I'm a Samaritan woman. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सामरी स्त्री के समान हूँ. And she said that now I am staying with the sixth one. Hallelujah. और वो कहती है कि अभी मैं छठे पुरुष के साथ रह रही हूँ. Exactly the story of Samaritan woman. वो बिल्कुल उस सामरी स्त्री की कहानी के समान. And she was, you know, in her message she was asking me that question. और उस संदेश में वो मेरे से सवाल कर रही थी. पास्टर मैं इस अवस्था से बाहर आना चाहती हूं. I know that I am running away from God. मैं जानती हूं कि मैं परमेश्वर से दूर भाग रही हूं. क्या प्रभु मुझे एक्सेप्ट करेगा वापस? Will God accept me again? मैंने दो सेंटेंस नीचे इसे लिखा. And I wrote two sentences. Immediately, hallelujah, पाप से दूर हो जाओ. Amen. तुरंत ही get away from sin. Immediately, पाप से दूर हो जाओ. तुरंत ही get away from प्रभु के साथ में रिश्ता जोड़ो. Develop a relationship with God. परमेश्वर के बच्चों पाप बहुत खतरनाक है. Dear children of God, sin is very dangerous. इस बाइबल में नीति वचन का किताब में से लिखा है. In the Bible it is written in Proverbs. The person, hallelujah, who is tested with the lustful things, hallelujah. जो व्यक्ति वो शारीरिक चीजों के साथ प्यासा रहता है, वो हकीकत में आग के साथ में खेलने वाला है. Hallelujah. In reality he is playing with fire. जेब में कोई अग्नि को रखे जा नहीं सकते. Nobody can keep fire in his pocket and walk. एक हाथ चिंगारी को जेब में डालोगे तो क्या होने वाला है? What will happen if you put a spark in your pocket and walk? हाँ, that's going to burn you. वो आपको जला देगा. The worldly pressure is something like that. संसारिक जो मोह माया है, you वो ऐसा है. Play with fire. आप आग के साथ नहीं खेल सकते. Hallelujah. Hallelujah. That's going to burn you. वो आपको जला देगा. Be away from all that kind of sinful pressures that test in your life. Hallelujah. इस प्रकार की ऐसी सारी पाप की जो आशा है उनसे आप बच कर रहिए. Hallelujah. Hallelujah. शमनितिन स्त्री से यीशु ने कंडीशन रखे कहा. Jesus put a condition for that Samaritan woman. देखो आपको क्या करना पड़ेगा. What must you do? आपका जीवन में कहां पराजय है? Wherever there is defeat in your life. पराजय को कबूल कर अंगीकार करना पड़ेगा. Accept and acknowledge. उससे बाहर आना पड़ेगा. And come out of it. तो तुझे ऐसे प्यास को प्रभु बुझाएगा. And then God will quench such a thirst. Psalm 42 में ऐसे एक इंसान को हम देख सकते हैं. We can see one such person in Psalms 42. He is so thirsty. वो इतना प्यासा है. Thirsty for the presence of God. वो परमेश्वर के मौजूदगी के लिए प्यासा है. He is thirsty in his spirit. वो अपने आत्मा में प्यासा है. अंदर ही अंदर, oh hallelujah, बहुत प्यासा है. Inside, he is very thirsty. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को उपस्थिति में वो जाना चाहते. He wants to go to the presence of God. देवत्वन स्तोत्र. Hallelujah. In the second verse, दूसरे वचन में, it is written, ऐसा लिखा है, जीवित परमेश्वर के पास में जाना चाहते. He wants to go to the living God. शमरियों स्त्री ने क्या कहा? What did the Samaritan woman say? Hallelujah. Hallelujah. आप लोग कहते जरूशलेम में जाना है आराधना के लिए. You people tell that we need to go to Jerusalem to worship. और अपना पूर्व कहते इस पहाड़ के ऊपर आराधना के लिए जाना है. And our elders tell that we need to go to this mountain to worship. यीशु ने क्या उत्तर? What did Jesus reply? नहीं, इस पहाड़ भी नहीं, जरूशलेम भी नहीं. Neither Jerusalem nor this mountain. पिता के पास आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए. Hallelujah. You must worship God in spirit and in truth. ऐसे समय आ चुका है लिखा है. Such a time has arrived. ऐसा revelation मिल चुका है लिखा है. Such a revelation has been received. हम भी पहले ऐसे जगहों में जाते थे. We also used to go to such places previously. किस तरह का जगहों में? What kind of places? बहुत प्यासा था, भूखा था. We were very much hungry and thirsty. इधर-उधर भागते भड़कते रहते थे. We used to run here and there. लेकिन अपना प्यास कभी हालेलुया मिट गया नहीं. But our thirst was never satisfied. क्योंकि ऐसे कुआओं के पास हम गया. Because we went to such kind of wells. सूखे कुआओं. Which were dry. Hallelujah. लेकिन आज इस भक्त ने कह रहे मैं जीवित परमेश्वर के पास जाना चाहता. But this servant of God says, I want to go to the living God. जीवन का जल का सौदा है. Who is the fountain of the living water? Hallelujah. जीवन का सौदा कौन है? Who is the fountain of life? यीशु. Jesus. So right now we are here.
हालेलुया इसलिए हम यहां पर है इस भजन संहिता 42 को इन दिस साम 42 प्रत्येक रूप में उसका पांचवा और छठवा आयत उस आयतों को स्पेशली वर्स 5 एंड 6 हालेलुया डिप्रेशन के लिए मेडिसिन बुलाया गया है इट हैज बीन टर्म्ड एज अ मेडिसिन फॉर डिप्रेशन डिप्रेशन का मेडिसिन है उस आयतों वो एक तनाव का दवा है क्या कह रहे मालूम है व्हाट डज इट से डिप्रेशन जिसको आया उस व्यक्ति ने कह रहे The person who was depressed says, "I will remember my Lord." Hallelujah! मैं अपने परमेश्वर का स्मरण करूँ। When I am going through, Hallelujah, a hard time. जब मैं कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। परमेश्वर का सूदी करेगा। I will praise God. कोई भी जगह में हो। In whatever place I may be. मेरे परेशानी का कोई भी जगह में हो। In whichever place of trouble I may be in. मैं परमेश्वर को याद करेगा। I will remember my God. This is the medicine for depression. हालेलुया ये जो है तनाव का दवा है परमेश्वर के बच्चों प्रभु को याद करो डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड रिमेंबर हिम समस्या आएगा ट्रबल्स विल कम बीमारी आएगा सिकनेस विल कम टेंशन आएगा टेंशन विल कम लेकिन बोलना है मेरा प्रभु मेरे लिए जीवित है हालेलुया बट यू मस्ट से दैट माय गॉड इज लिविंग फॉर मी किसके पास आया है हालेलुया एंड टू हूम डिड ही कम जीवित परमेश्वर के पास आया है I have come to the living God. सब लोग कहो ना जीवित परमेश्वर के पास. Can everyone say we have come in the presence of the living God? अपना परमेश्वर का विशेषता क्या है मालूम है? What is the speciality of our God? वो हमें स्वांदना देने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. He comforts us. परमेश्वर के दास ने उस आयत को पढ़ा यीशु ने बुलाया लोगों को. The servant of God told that verse that Jesus called those people. अगर तुझे आराम चाहिए तो मेरे पास आ जाओ. If you want rest, come to me. If you are going through trials in your life. अगर आप अपने जीवन में उस परीक्षा से गुजर रहे If you're depressed in your life, अगर आप अपने जीवन में तनाव में हैं, If you're sick in your body, अगर आप अपने शरीर में बीमार हैं, Come to me. Hallelujah. यीशु मसीह के पास आए Come to me. मेरे पास आओ We do not need a philosophical answer. Hallelujah. हमें कोई बहुत बड़ा तत्वज्ञान वाला जवाब नहीं चाहिए Philosophy, what is the philosophical answer? एक तत्वज्ञान का जवाब क्या होता है? Last week I was talking to a nominal Christian from a nominal church background. पिछले दिनों में मैं एक नामधारी मसीही से बात कर रहा हूं. Where they do not know the where they do not practice healing ministry. जहां पर वे उस चंगाई की सेवकाई का वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं They run the church throughout, you know, using rituals. वो केवल रीति रिवाजों से उस कलीसिया को चलाते हैं And that brother said me, और वो भाई ने मुझसे कहा Pastor, earlier when I was in that church, पास्टर पहले जब मैं उस कलीसिया में था Always our teachers used to teach us a philosophical thing. हमेशा हमारे जो शिक्षक थे वो हमें तत्व ज्ञान के बारे में सिखाते They used to teach us, वो हमें सिखाते थे Sickness is the part of life. बीमारी जीवन का एक अंग है हर एक व्यक्ति के पास बीमार होने का एक मौका होता है सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ वो जीवन का अंग है वी हैव टू फेस इट वी हैव टू एंडयर वी हैव टू हालेलुया हमें हमें सहते रहना पड़ेगा हालेलुया हमें उसे सामना करना है एंड वी हैव टू गो थ्रू इट जो मैं बोल रहा सही है ना व्हाट आई एम सेइंग इज इट राइट अरे सबको बीमारी है ना आपको भी है मुझको भी है ऑल ऑफ अस हैव सिकनेस दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ ये जीवन का भाग है हमें सहते रहना पड़ेगा We'll have to endure it. लेकिन उन्होंने कहा जब मैंने एक रिवाइवल टाइप चर्च में एक वजन का आधार में बनाए कलीसिया में मैंने सुना जीसस कैन हील यू हालेलुया देन ही टोल्ड मी व्हेन आई केम टू अ रिवाइवल चर्च आई हर्ड दैट जीसस कैन हील मी यीशु खोड़ा खाने से मैं चंगा हो गया हालेलुया बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस वी आर लिसनिंग मी क्या मुझे सुन रहे हैं हालेलुया कम टू जीसस Hallelujah. यीशु मसीह के पास आइए. He will heal you. वो आपको चंगा करेगा. He will comfort you. वो आपको आश्वासन देगा. He will comfort you. वो आपको आश्वासन देगा. He is the great comforter. अरे वो महान आश्वासन देने वाला है. उन्होंने comfort दे रहे वैसे कोई भी comfort दे नहीं पाएगा. Hallelujah. उन्होंने comfort दे रहे वैसे कोई भी comfort दे नहीं पाएगा. The kind of comfort that He gives, nobody else can give us that comfort. उन्होंने आराम दे रहे वैसे कोई भी आराम दे नहीं पाएगा. The kind of rest which He gives, nobody else can provide it to us. यीशु ने बोला मेरे पास आ जाओ. Jesus told, come to me. Whatever your situation may be. आपका कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो. I will comfort you. मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा. स्पिरिचुअल नीड में कंफर्ट मिलेगा हालेलुया हमारे आत्मिक जरूरतों में हमें सांत्वना मिलेगा फिजिकल जरूरतों में कंफर्ट मिलेगा इन आवर स्पिरिचुअल नीड्स ही विल कंफर्ट अस इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र में
You need a comfort. आपको आश्वासन की जरूरत है. Jesus is ready to touch that area today. Hallelujah. यीशु मसीह आज इस सुबह के समय में उस क्षेत्र को छूने के लिए तैयार है. I want to read a couple of scriptures. मैं कुछ दो भाग पढ़ना चाहता हूँ. पौलुस ने बताया कुछ बातों. Paul has written some words. कोरिन्थियों का पत्री में. In the book of Corinthians. Second Corinthians. दूसरा कोरिन्थी. दूसरे अध्याय में. In the second chapter. पौलुस ने क्या कहा मालूम है? What did Paul say? Hallelujah. Hallelujah. पौलुस के लिए एक बहुत बड़ा द्वार सुसमाचार के लिए खोल के मिला. Hallelujah. For Paul, a big way of ministry was opened up for him. लेकिन उनका मन के अंदर कुछ बेचैनी आया. But there is some restlessness in his mind. In one side, he is having a big opening. Hallelujah. एक तरफ उसके लिए बहुत बड़ा द्वार खुला है. For long time, he was praying for a big opening to, Hallelujah. Happen in his ministry. Hallelujah. बहुत लंबे समय से वो अपने सेवकाई में एक बहुत बड़ा द्वार खोलने के लिए प्रार्थना कर रहा था. जब बड़ा द्वार खोल के मिला, when that opening came, छोटा सा एक समस्या आया. A little problem arose. छोटा सा एक समस्या. A little problem. क्या समस्या है मालूम? What was that problem? Titus ने बहुत पहले कहा था. Titus had told very early. मैं तुझे मैसेडोनिया में मिलने वाला है. I will meet you in Macedonia. Hallelujah. No, I'm sorry. Troas में मिलने वाला. I'll meet you in Troas. लेकिन टाइटस आया नहीं. But Titus did not come. Paulus बहुत टेंशन में आ गया. And Paul was very much tensed. Titus कोरिंथ में गया है. Titus went to Corinth. At that time. उस समय में. कोरिंथ कलीसिया में बहुत बड़ा गड़बड़ है. There was a big trouble in Corinthians church. कोरिंथ कलीसिया में पौलुस ने टाइटस को कुछ सॉल्यूशन के साथ में भेजा है, कुछ उनको अगुवाई देने के लिए भेजा है. Hallelujah. And Paul had sent Titus to the church of Corinthians to with a solution. टाइटस का मिशन क्या हो गया पौलुस को जानता नहीं है. And Paul doesn't know what has happened to that mission of Titus. मिशन सक्सेस हो गया क्या? Has that mission been successful? कलीसिया ऑर्डर में आया क्या? Has the church come in order? बहुत टेंशन पौलुस को है. Paul is very much tensed. He want to know what is happening in Corinth. वो जानना चाहता है कि कोरिंथी कलीसिया में क्या हो रहा है. He is distressed because Titus got late to come there. Hallelujah. और वो परेशान हो गया क्योंकि तितुस को वहां पर आने में देरी हो गई. Troas में बहुत बड़ा द्वार भी खोल के मिला है. And he also got a big opening in Troas. Hallelujah. Hallelujah. बेचैनी आए दिल में. And he became tensed and restless. अपना दिल में बेचैनी आ सकते हैं. We can also be restless in our heart. छोटा समस्या का कारण से. Because of a little trouble. बड़ा समस्या नहीं, द्वार बड़ा खोल के मिला. Hallelujah. Not because of a big trouble, because the opening was big. बहुत आनंद है, बहुत बड़ा द्वार खोल के मिला है. There was a lot of joy because a big opening came. लेकिन छोटा सा एक टेंशन. But a little problem came. उस छोटा टेंशन क्या किया? What did that little tension do? उस द्वार से प्रवेश करने से पौलुस को रोका. Hallelujah. It prevented Paul from entering into that opening. Something it used to happen in the same way with us. हमारे साथ भी इस प्रकार से होता है. हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, द्वार मिलेगा, लेकिन छोटा छोटा समस्या अपने दिल के अंदर बहुत बड़ा बेचैनी. हालेलुया. इन आवर लाइफ आल्सो वी मे गेट बिग अपॉर्चुनिटीज, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग. पौलुस बड़ा द्वार को छोड़ के. Paul leaving behind that big opening. वचन में लिखा है तीतुस को ढूंढ के गया. He left that opening and went out to find Titus. मैं उस पोर्शन जब पढ़ा. When I read that portion. उधर ऐसे लिखा है हालेलुया. It is written there. हालेलुया. तेरहवा आयत में, सेकंड कोरिंथियन दो का तेरहवा आयत में. In second Corinthians chapter 13. मैसेडोनिया में गया. He went to Macedonia. It was a long journey. वो एक लंबा सफर था. Troas to Macedonia. Troas से मैसेडोनिया का सफर. पौलुस ऐसे सफर करते था. Paul used to travel in this way. बहुत पैसा खर्चा करके. He used to spend a lot of money. कभी-कभी ship में travel करते था. And sometimes used to travel in ship. Hallelujah. Hallelujah. अभी ये छोटा matter है. Now it is a very small matter. तीतुस आया नहीं. Titus did not come. So, इतना पैसा खर्चा करके पौलुस तीतुस को ढूंढ के जा रहे. Because of that, Paul has spent a lot of money to find out Titus. Amen. Hallelujah. इसमें पौलुस का स्वभाव के बारे में हमें पता मिलेगा. We can find about the habit of Paul. How much he cared about his fellow workers. Hallelujah. वो अपने सहकर्मी के ऊपर कितना वो उनके ऊपर चिंता करता है. उनका whereabouts के बारे में कितना concern था पौलुस को. उनका जो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में पौलुस को बहुत चिंता रहती थी. Hallelujah. आगे का भागों में ऐसे हम पढ़ सकते हैं. We can read in the further portion. परमेश्वर ने ना Hallelujah. पौलुस और तीतुस के साथ में कनेक्ट किया तो पौलुस के अंदर कंफर्ट आया. हालेलुया. व्हेन गॉड कनेक्टेड पॉल एंड टाइटस, पॉल फेल्ट कंफर्ट इन हिज लाइफ. जब पौलुस जाकर तीतुस को मिला. व्हेन पॉल वेंट एंड मेट टाइटस. मेरे ख्याल से सातवां अध्याय में कुछ आगे का कोई अध्याय में लिखा है
Paul के अंदर बहुत बड़ा कंफर्ट आया. It is written in the further part of this book that Paul was very much comforted in his soul. Amen. Hallelujah. 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 7 का 5वां आयत में पौलुस कह रहे जब हम मैसेडोनिया में पहुंचा. In 2 Corinthians 7 verse 5 it is written Paul tells because when we arrived in Macedonia. I've been reading that portion 7 verses 5 through. देखो पहले कहां चैन नहीं था. Previously where was that comfort not there? पहले चैन कहां नहीं था? Where the comfort wasn't there? मन में नहीं था. In his heart. अभी मैसेडोनिया पहुंचा तो शरीर में भी चैन नहीं. Hallelujah. Now when he has reached Macedonia even in his body he is not feeling comfort. These kind of things are the part of our life. Hallelujah. ऐसी जो चीज है वो हमारे जीवन का एक भाग है. कभी मन में चैन नष्ट हो जाएगा. Hallelujah. Sometimes our peace might get destroyed in our mind. कभी शरीर में चैन नष्ट हो जाएगा. Sometimes in our body rest and peace might get destroyed. कभी ये दोनों साथ में आएगा. But when they come together. कभी-कभी अपने शरीर में sickness है, बीमारी उसी साथ में सैतान कुछ गड़बड़ को खड़ा करेगा. Hallelujah. मन में भी चैन नहीं है. Hallelujah. Sometimes Satan might build up some difficult things in our life along with our sickness. ऐसे किसी को है क्या? Is somebody also having the same thing? दास ने बार-बार पूछा. The servant of God told sometimes. क्या आप में से किसी का कुछ भोज है? He asked, does anybody of you have आप burden? सभी लोग नहीं नहीं भोज कुछ नहीं है बोला. And all of you told we don't have any burden. Hallelujah. 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 सचमुच हम थोड़ा सुपर स्पिरिचुअल होके कहा मुझे जान दे. हालेलुया. आई फील दैट वी माइट हैव बिकम सुपर पास्टर. आई एम ओके. आई एम अ स्ट्रांग क्रिश्चियन दिखाने के लिए बोला. हालेलुया. वी माइट हैव टोल्ड दिस टू शो दैट वी आर अ स्ट्रांग क्रिश्चियन. कभी-कभी पास्टर्स क्वेश्चन पूछेगा. Sometimes pastors might ask. आपको जानते हैं पास्टर उस क्वेश्चन के अंदर कुछ रखा है इसलिए बुद्धि के साथ में आंसर. Hallelujah. And you must think that pastor has kept something in that question. That is why he's asking. But really, sometimes we have that problem in our mind or in our body. Hallelujah. लेकिन सचमुच में कई बार हमारे जीवन में या तो हमारे मन में ऐसी समस्या आती है. चाहता सच बोलो कि आपके पास कुछ भोज है क्या? Hallelujah. I want to ask you, tell the truth. Do you really have any burden in your life? परमेश्वर का दास का वचन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द वर्ड ऑफ गॉड. हे क्या डू यू हैव एनी बर्डन? डिलीवरेंस मिलने के लिए सबसे पहले फॉर रिसीविंग डिलीवरेंस यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह स्वीकार करना है कि आपके अंदर एक समस्या है. पीपल दे आर नॉट गेटिंग डिलीवर्ड बिकॉज़ दे डोंट एक्सेप्ट दैट. आमेन. हालेलुया. प्रॉब्लम. कई लोग जो है वो छुटकारा इसलिए नहीं प्राप्त कर क्योंकि वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि उनके जीवन में एक समस्या है. प्रभु को मुझसे मैं आई एम ओके. मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं. When they come into the presence of God they tell God I am okay. I don't have any problem. भूख नहीं है, प्यास नहीं है. They don't have any thirst or hunger. ओके जाओ बोलेगा. And God will say okay you can go. वचन में लिखा है. And it's written in the word. जो हलल भूख आए प्यास आए उनको प्रभु ने क्या किया? भूख को मिटाया. It is written in the word that whoever was hungry and thirsty, God quenched their hunger and thirst. लेकिन जो क्या बोलते हैं हालेलुया अमीर ना तो क्या बोलते हैं संपन्न है उनको प्रभु ने क्या किया? आइज़ेई बेच दिया. But it is written that those who were rich and who were not thirsty or hungry, God sent them back. Those who felt that they are satisfied, they didn't receive anything. Hallelujah. जिन्होंने ऐसा सोचा कि वे संतुष्ट हैं, वो संतृप्त हैं, उनको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया. So आज सुबह कहो प्रभु मुझे बहुत बोझ है. Hallelujah. So you must tell this morning, God, when I have a lot of burden. Standing here, I can testify. जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं ये गवाही दे सकता हूँ. I am facing lot of issues. Amen. Hallelujah. मैं बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा हूँ. Facing lot of issues. Hallelujah. मैं कई सारे प्रश्नों से जूझ रहा हूँ. Lot of challenges. मेरे पास बहुत चुनौतियाँ हैं. Sickness होगा. बीमारी होगा. Mental pressure होगा. It can be mental pressure. अलग अलग चुनौतियां मेरे विरुद्ध में. Hallelujah. Different kinds of opportunity challenges are there in my life. Please कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करो. I have a problem. Hallelujah. Church, please pray for me. मेरे पास एक समस्या है. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. On Monday I'm going to our CA's place. Hallelujah. Hallelujah. और मैं सोमवार को हमारे CA के जगह में जा रहा हूं. कलीसिया कहना चाहता हूं मंडे में आप सभी लोग उस विषय के लिए प्रार्थना करो. मैं कहना चाहता हूं on Monday all of the church must pray for that. बिना हालेलुया भूल के प्रार्थना करो. Without forgetting, please Monday pray for that. Monday I'm going to that place. We want to resolve some problem there. Hallelujah. सोमवार को मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि कुछ समस्या को हल कर. It's a big challenge. So we all have challenges. एक बहुत बड़ी चुनौती हम हर एक के पास चुनौती है. So in the initial stage, Paul was having a बेचैनी. Hallelujah. उनका चैन निकल गया था अंदर. And in the initial stage, Paul was having restlessness in his life. समस्या बड़ा है क्या? Is the problem big? समस्या छोटा है. No, the problem is small. लेकिन चैन निकल गया. But his peace came out. और त्रोवास में से मैसेडोनिया पहुंच के शरीर में भी चैन नहीं. And when he reached Macedonia from Troas, even in his body, he had no rest. इसमें कुछ कनेक्शन है. There is some connection in this. You know how powerful your mind is.
आप जानते हैं आपका मन जो है वो कितना सामर्थ्य है। Your mind can make your body sick. Hallelujah. आपका जो मन है वो आपके शरीर को बीमार कर सकता है। आपको जानते हैं? Do you know this thing? आपका mind बहुत powerful है। Your mind is very powerful. Mind, I said decide कर सकते हैं। The mind can decide. आपको पूर्ण तौर से U-turn क्या कहते हैं? बड़ा मोड लाने वाला बातों आपका मन आपका शरीर में कर सकते हैं। Amen. Your mind can decide if you want to completely take a U-turn in your life. So that's why always Bible says, be careful what you think. Hallelujah. इसलिए Bible भी हर पल ये कहता है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें कि आप क्या सोचते हैं. Whatever you think, hallelujah. जो कुछ आप सोचते हैं. That's going to adversely affect your body. Hallelujah. वो बहुत ही बुरी तरीके से आपके शरीर पर भी असर करेगा. That's why Paul said. इसलिए पौलुस कहता है. I fight against the thoughts which is coming in my mind. मैं अपने जीवन में उस ख्यालों के साथ लड़ रहा हूँ जो मेरे मन में आता है। Spiritual weapons. मैं उन आत्मिक हथियारों का उपयोग करता हूँ। Against the thoughts, against the imaginations inside me. उन विचारों के विरुद्ध में, उन कल्पनाओं के विरुद्ध में। Hallelujah. So your mind is a battlefield. Hallelujah. इसलिए आपका जो मन है, वो एक युद्ध भूमि है। Your thought can influence you. Hallelujah. Your thought can influence you. आपका जो विचार है, वो आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। Mind उतना powerful है। वो जो हमारा मन है, वो बहुत सामर्थी है। उदाहरण में एक दो उदाहरण आपको बताएगा। I will give you an example. ऑप्टिकल इल्यूशन आपने सुना होगा ना? You must have heard of optical illusion. ऑप्टिकल इल्यूशन का मतलब क्या है? What does optical illusion mean? आपने कोई एक जगह में जाके कुछ चीज देखा। You went to some place and saw one thing. आपने देखा उस चीज को आप बिलीव किया। And you believed what you saw. हकीकत में वो चीज वो नहीं था। In reality, that thing was not there. That was an optical illusion. वो केवल एक ऑप्टिकल इल्यूशन है। कैसे आपको लगा वो चीज वो है? How did you feel that that thing was there? क्योंकि आपका मन के अंदर पहले एक तस्वीर है। Because in your mind there is a preconceived image. And your mind made you to believe that you are seeing that. और आपके मन ने ये आपको विश्वास करने के लिए मजबूर किया कि वो है। क्योंकि हम expect कर रहे this should be like this. Because from our mind. क्योंकि हम इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए हमारे मन में ऐसा है। मतलब आपका माइंड आपने जो देख रहे उस बात को भी बदलेगा। Hallelujah. It means that your mind can change the things which you see. नेहरू साइंस सेंटर में जब हम जाएगा, When we go to नेहरू साइंस सेंटर, कुछ ऑप्टिकल इल्यूशन का उदाहरण उधर रखा है। हम वहां पर जो दृष्टि भ्रम है उसके बारे में देख सकते हैं। बहुत के ना हलली, ये छोटा एक मेमोरी है, मैंने देखा उधर एक इंसान का चेहरा रखा है उधर। I have a very diverse memory. I saw the face of a person. Hallelujah. Hallelujah. उस चेहरा हमें देखेगा तो लगेगा एक इंसान का चेहरा है। If we see that face, we can feel that we are seeing the face of a human. लेकिन जाकर चुक के देखेगा तो तभी हमें मालूम पड़ेगा। But when we go closer and touch it, that face is in reverse mode. Hallelujah. वो जो चेहरा है, वो उल्टा है। अंदर का तरह है। It is inside. लेकिन हम दूर से देखेंगे तो लगेगा exactly that is the face of a hallelujah human being. But if we see it from afar, we can see it as the face of a human. क्योंकि हम अपने मन के अंदर ऐसे तस्वीर रखा है, the man's face should look like this. Because in our mind we have kept this preconceived notion that a human face will look like this. उसको कहते हैं optical illusion. उसे हम कहते हैं दृष्टि भ्रम. ये जो magic दिखाते हैं ना, जो जादू करते हैं, they're taking the advantage of optical illusion. वो ये दृष्टि भ्रम का उपयोग करते हैं। गाड़ी को कभी वानिश करके दिखाएगा कैसे? Optical illusion. Hallelujah. They can make vehicles disappear through optical illusion. They're using the science. वो उस चिन्ह का उपयोग करते हैं। That much powerful your mind is. इतना सामर्थ्य आपका मन है। आपको ये बात जानना है। You must know this thing. तो आप हमेशा आपका मन के अंदर सोच रहे, Hallelujah, आप बीमार है, आप बीमार है, आप बीमार है, कुछ दिन के अंदर आप खुद बीमार बनेगा। If you are continuously thinking in your mind that I am weak, I am sick, I am sick, so then you will fall sick. That you are sick, hallelujah. इसके बावजूद कि आप ये सोचे कि आप बीमार हैं। Paulus कहा। Paul said. Fight against that kind of thoughts. ऐसे विचारों के विरुद्ध में लड़िए। You have to fight against that kind of thoughts. आपको ऐसे विचारों के विरुद्ध में लड़ना होगा। You have to use the spiritual weapons against that kind of thoughts. आपको अपने आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। You have to demolish that fortresses which the devil tries to build inside your mind. Hallelujah. शत्रु जो आपके मन में जो गढ़ को बांध रहा है, उन्हें आपको तोड़ना होगा। Hallelujah. Hallelujah. Fill that place with faith. Hallelujah. और उस गढ़ को आप विश्वास के साथ भर दीजिए। और आपको दिल के अंदर ही अंदर कहना है। And you must say within your heart, प्रभु मेरा साथ में है। God is with me. मैं जीतने वाला है। I will be victorious. मैं छुटकारा पाने वाला है। I will be delivered. मैं चंगाई पाने वाला है। And I will be healed. Hallelujah. Hallelujah. शरीर में, मन में बेचैनी आया। In my heart, I was troubled.
हालेलुया हालेलुया अभी पौलुस का शरीर भी अफेक्ट हो गया and it has affected Paul's body maine mere sharir mein ye anubhav kiya ek baar I have experienced this in my body kabhi kabhi ek dukh ka khabar hai na pura apne sharir ko bilkul squeeze karke nikale sometimes a tragic news can completely squeeze out our strength you know in year 2018 2018 साल में अगस्त महीने के आसपास इन द मंथ ऑफ अगस्त उससे पहले मैं बहुत कबरते एक्सरसाइज करते था दौड़ते था पार्क में जाके लोग मुझे हालेलुया ऐसे ऐसे मतलब मजाक में बोलते थे अरे मिस्टर केरला आया शाम को I used to exercise a lot. I used to do walking and running on the parks, and people used to mock me that Mr. Kerala has come. क्योंकि मैं इतना मतलब कसरत करते था अपने अपने municipality park में जाके. I used to exercise a lot in our municipality park. सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा. In the morning 1 hour, in the evening 1 hour. I was so health concerned. मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित था. I was running like anything. और मैं बहुत भागता था. I was taking push-ups. मैं push-up करता था. Hallelujah. Hallelujah. बच्चों देखते थे अरे ये अंकल तो आके इतना push-up ले रहे. And children used to come and see that this uncle is doing so many push-ups. Listen me. मुझे सुनिए. One day. एक दिन. मैं पार्क के उस जो क्या बोलते हैं वो जो run करने के लिए जो बना है ना उधर से run करके आ रहा था. I was running around the circle which is made for walking. Through that track. उस track मेरे मोबाइल में call आया. I called, received a call. उस call मैंने उठाया run करके उठाया. I picked up that call while running. एक news मेरा Hallelujah us phone se aaya and I got a news from that phone I was able to bear that news aur main us khabar ko jhel nahi paya I felt literally I felt I was running and literally I felt mera sharir ka pura bal nikal gaya jab main bhag raha tha mujhe sachmuch aisa laga ki I completely lost entire energy of my body I felt I'm totally gone mujhe aisa mehsoos hua ki main puri tarah se gaya ek ek udhar municipality ka jo banj hai na पार्क बन जाए ना उस पर जाके बैठ गया आई वेंट एंड सैट ऑन दैट बेंच इन द म्युनिसिपैलिटी पार्क फॉर आफ्टर फ्यू वीक्स और कुछ हफ्तों के बाद मैं पार्क में जा नहीं पाया आई वाज नॉट एबल टू गो टू द पार्क बिल्कुल बल नहीं आई वाज कंप्लीटली वीक समथिंग स्क्यूज्ड दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम मी कुछ बात ने मेरे शरीर से सारे उस एनर्जी सारे ताकत को निकाल दिया हाउ पावरफुल योर माइंड इज जानते हैं आपका मन कितना सामर्थ्य अलाउ दैट काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स टू कम इनसाइड योर माइंड हालेलुया इसलिए इस प्रकार की नकारात्मक बातों को आप अपने जीवन में मत लाएं इसलिए आपके जीवन में क्या परिस्थिति है पॉल वाज हैविंग द डिस्ट्रेस इन हिज हार्ट पहले पौलुस को अपने हृदय में बेचैनी थी द प्रॉब्लम वाज स्मॉल वो जो समस्या छोटी है छोटा समस्या इट इज वेरी स्मॉल इंपेशेंट हो गया and he became impatient unhone titus ka piche gaya and he went after titus abhi sir man mein nahi ye sharir mein bhi takleef now not only in his mind but also in his body he is weak are you listening me kya mujhe sun rahe malayalam mein aur bhi kuch baaton mein bolna chahta hu samay bahut aage gaya isliye I also want to add some things in malayalam aur usne bhi kya kaha de but what did god say sharir mein bhi chain nikal gaya he is saying that even in my body I have no rest lekin but chatva ayat pad lijiye can we read verse 6 पौलुस ने कहा थे पॉल इज सेइंग बाहर से लड़ाई अंदर भी लड़ाई है दैट इज एन अमेजिंग स्क्रिप्चर हालेलुया ये बहुत एक अद्भुत वचन है जो पौलुस कहता है कि इवन ऑन द आउटसाइड आई एम फाइटिंग सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 7 पांचवा आयत से और शरीर में चैन नहीं है पहले ही बोला था अंदर मन में चैन नहीं है अभी मन में भी चैन नहीं है शरीर में भी और आगे पढ़िए चारों ओर से क्लेश हरास्ड एट एवरी टर्न देन रीड बाहर लड़ाई भीतर भयंकर बात है आप जरा सोच लीजिए बाहर से बीमारी का लड़ाई यू थिंक अबाउट दिस ऑन द आउटसाइड देयर इज सिकनेस अंदर से बहुत टेंशन का लड़ाई एंड विद इन इनसाइड देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन के आई से कुछ Have we also experienced If this? If you want to get delivered today morning, accept that I have a problem. Amen. And God is going to touch Hallelujah. And comfort you. Hallelujah. If you, अगर आपको छुटकारा चाहिए, तो आज इस सुबह के समय में इस बात का स्वीकार करें कि मेरे जीवन में समस्या है. Jesus is calling to get nearer to Him. Hallelujah. उनके पास यीशु करीब आएगा. यीशु कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ. Jesus says, come to me. मेरे पास आ जाओ. Come to me. अगर बोझ है तो. If you have a burden. अगर बेचैनी है तो. If you have distress. अगर बाहर अंदर दोनों तरह लड़ाई है तो. If you are having battles both within and outside. Having battle both inside and outside. अगर आपके जीवन में अंदर और बाहर दोनों तरह लड़ाई है. मेरे पास आओ. I will comfort you. मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा. He is our great comforter. Hallelujah. वो हमारा महान. Hallelujah. हाथ उठा कर. Hallelujah. अगले आयत देखो देखो तो भी बट दीनों को शांति देने वाला
परमेश्वर ने हालेलुया आमेन अभी ऑल ऑफ अ सडन तीतुस आया तो मेरे मन के अंदर एक तंडा हालेलुया ऑल ऑफ अ सडन व्हेन टाइटस केम आई हैव अ कोल्ड हार्ट नाउ ये कैसे हो गया हाउ डिड दिस हैपन हिस्ट्री ऐसे कहते द बिब्लिकल स्कॉलर्स दे सेड हालेलुया इतिहास जो है वो इस प्रकार कहती है क्या हो रहा था मालूम है व्हाट वाज हैपनिंग पौलुस त्रोवा से मैसेडोनिया गया पॉल वेंट टू मैसेडोनिया बेचारा तीतुस पुअर टाइटस उल्टा डायरेक्शन में जा रहा था ही वेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आप दोनों उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो मिलने का कोई चांस है क्या इफ यू गो ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग दोनों दो डायरेक्शन में जा रहे हैं बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दिन प्रतिदिन दूर होने वाला है डे बाय डे दे आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉल सुबह उठकर उस तरफ जाएगा तीतुस सुबह उठकर उस तरफ जाएगा इन द मॉर्निंग पॉल वुड गो ऑन दैट वे एंड टाइटस वुड यूज्ड टू गो इन दिस वे तीतुस के मन में क्या है व्हाट वाज देयर इन द माइंड ऑफ टाइटस पॉल मेरे लिए त्रोवास में इंतजार कर रहा है दैट पॉल इज वेटिंग फॉर मी इन त्रोवास ही इज हेडिंग टुवर्ड्स त्रोवास ही इज हेडिंग वो त्रोवास की ओर जा रहा है पॉल टेंशन से तीतुस जहां हो सकते है उधर जा रहे एंड पॉल इन टेंशन इज गोइंग टू द प्लेस वेयर टाइटस माइट पॉसिबली बी चांस है लोग मीट करने का कुछ चांस है क्या इज देयर एनी चांस ऑफ देम टू मीट है क्या बोलिए ना इज देयर देयर कम्स द डिवाइन इंटरवेंशन हालेलुया वहां पर वो दैनिक जो परमेश्वर की इंटरवेंशन है वो आती है वर्क ऑफ द कंफर्टर हालेलुया वहां पर जो आश्वासन देने वाला चल कर आता है शांति देने वाला मेरा परमेश्वर हालेलुया यस तीतुस को मेरे पास लाया he brought Titus possibility नहीं था there was no possibility हम दो डायरेक्शन में जा रहे था we were going in opposite direction God who gives me comfort लेकिन जो परमेश्वर मुझे शांति देता है who is my comforter जो मेरा शांति देने वाला he intervened in my situation hallelujah उसने मेरे जीवन में you may be having battles inside and outside आपके जीवन में बाहर और अंदर लड़ाई होंगी but the great comforter लेकिन जो महान शांति देने वाला है he is ready to intervene in your issues वो आपके जीवन के हर एक परेशानी के बीच में हमारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे इस संदेश को मलयालम सर्विस में In 1 Corinthians 1 Paulus ne aise bhi kaha Paul has also wrote Hallelujah Hallelujah sabko shanti dilane wala parmeshwar ki or se tujhe shanti aane diji Hallelujah the God who comforts everyone will also comfort apne parmeshwar ka visheshata kya hai What is the speciality of our God He is our comforter wo hamara shanti dene wala hai He is our comforter wo hamara shanti dene wala hai ki andar ladai hai We have battles within us. बेचैनी है. Distress within us. बाहर लड़ाई है. There is battle outside. दोनों में प्रभु का छुटकारा है. In both of those battles, God will give us deliverance. आज आपको उपस्थिति में आ रहा हूँ. Hallelujah, and God is going to come in your presence. Hallelujah. साथ में प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ. We will pray together. साथ में आराधना करने के लिए जा रहा हूँ. शकब अनरगदल खड़गर शांताना. Do not allow your situations. Do not allow your mental distress to control your body hallelujah your health affect your health aapka sharir ko aapka man mein jo samasya hai us samasya affect hone ke liye mat de do prabhu aapka saath mein hai us becheni ko prabhu dur karega god is going to remove your distress situation kuch bhi kyun na ho whatever your situation may be ulta direction mein ja rahe even if you go in the opposite direction but god can a miracle in your life lekin parmeshwar aapke jeevan mein ek chamatkar ko kar sakta hai situation is something like that ye jo paristhiti aisi hai day by day har din pratidin samasya solve hone ka chance kam ho rahi hai amen hallelujah the chances of the problem getting solved is getting lesser and lesser they are heading towards opposite direction ve vipreet us disha mein ja rahe hai but god can make a miracle लेकिन परमेश्वर के द्वारा एक चमत्कार हो सकता है हालेलुया हालेलुया इम्पॉसिबल को ओपोसिबल बनाए आमेन वो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आर यू स्टक अप इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ योर लाइफ क्या आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में अटके हुए हैं क्या आप स्टक हो गया है क्या आप वहां पर अटक गए हैं विश्वास करो है फेथ और वो आपको सही Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God will lead you to the right direction. I'm assuming. Paul ne socha. Hallelujah. Titus Macedonia mein hai. Paul thought Titus is in Macedonia. Titus ka plan kuch alag hai. But Titus had different plans.
लेकिन पौलुस का बेचैनी देखे, बट सीइंग द रेस्टलेसनेस ऑफ पॉल, दूसरा गति में जा रहा था तीतुस को, the Titus who was going in a different direction, पवित्र आत्मा में पौलुस जहां में उधर लेके आया, the Holy Spirit brought Titus to the place where Paul was going. Believe me, मुझे विश्वास करिए, आप भी आधा रास्ता में स्टक अप हो गया सिचुएशन में, amen, you might also be in a situation where you are stuck up in the middle way, the Holy Spirit can drive you. Amen. लेकिन पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन कर सकता है. Move you from that place. Hallelujah. आपको उस जगह से वो आपको हटा सकता है. अटक हो गया. अगर आप अटक गए हैं, उधर से पवित्र आत्मा आपको आगे लेके जाएगा. Amen. The Holy Spirit will take you forward from there. Are you in that situation? क्या आप वो परिस्थिति में हैं? कुछ जगह में आपके hold हो गए, stuck up हो गया. You have come to some point where you are completely stuck. Sometime ago I was praying for a brother. एक बार मैं एक भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था. I had a vision. मुझे एक दर्शन मिला. दर्शन में क्या देखा मालूम है? What did I see in that vision? एक नाव, एक boat. A boat. पानी का आधा रास्ता में आके stuck up हो गया है. It came in the middle of the river and it got stuck. You just imagine. आप विश्वास कल्पना कीजिए. Paper boat in a water tank. एक paper boat in a water tank. एक अगर आप water tank में एक कागज का जो boat है उसे रखें. And a child is playing. और एक बच्चा उससे खेल रहा है. और बच्चा क्या कर रहा है मालूम है? और वो बच्चा क्या कर रहा है? पीछे से फूंक रहे. He is blowing air from behind. पीछे से फूंक रहे. He is blowing air from behind. जैसे बच्चा फूंकेगा. As he's blowing the air, board start to move. Hallelujah! The board will start to move forward. When I was praying for that brother, जब मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, God gave me that vision. परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया. Someone is blowing wind on that board. Amen. Hallelujah! कोई उस नाव पर पीछे से हवा फूंक रहा है. Holy Spirit encouraged me to stay. Amen. और पवित्र आत्मा ने मुझे ये प्रोत्साहन दिया. You may be in a stuck up situation. आप शायद एक अटके हुए परिस्थिति में हो सकते हैं. But heaven is ready to blow. Amen. Hallelujah! Wind on you. लेकिन स्वर्ग आपके लिए ऊपर उस नाव के ऊपर आपने पहना लेने के लिए तैयार. मुझे विश्वास करिए, व्हाटएवर सिचुएशन यू आर स्टक, जो भी परिस्थिति में आप अटके हुए हैं, हालेलुया, प्रभु आपके ऊपर फूंकना शुरू करेगा. God is ready to blow his air upon you. किसी के लिए पर्सनल मैसेज है. Somebody is having this personal message. आगे जाएगा. We will move forward. आप निशान तक पहुंचेगा. And you will reach your goal. लक्ष्य तक पहुंचेगा. You will reach your destination. आपका यात्रा अधूरा ना होने वाला. Hallelujah. Your journey is not going to be complete. शल कमाना रगदल तालियां बजाकर मशक कमाना रगदल कड़गर शब्द दे. अन्य भाषा के साथ दे. आत्मा का भरपूर के साथ दे. गुहारे बोरिया मनरम शर्त का सिहान देले रोशी हर कंधा ले लिया बाला बोरिया से खेले मान जरा वाला रही सियारे शांति देने वाला तू रह तू मुझ में तू है जीवन का जल कभी नहीं हाँ परमेश्वर शांति दे तू मुझ में तू ही जीवन का जल है तू है जीवन
अपनी रह तू मुझ में। मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पण करता हूं परमेश्वर। स्वागत पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, हुजूरी में भर तू अपनी सात, रह तू मुझ में। तू है जीवन का झरना जो ना सू, अपना बॉडी सोल एंड स्पिरिट में, अपने परिवार में,
जीवन का हर मंथल अब जो भी चाहते प्रभु कर दीजिए, हमें समर्पण करो, हम आपका बच्चों भी आपका इच्छा अपने जीवन में पूरा होने दीजिए प्रभु, आपका जो भी थेम्स एंड कंडीशंस को हम एक्सेप्ट कर रो, हालेलुया, बिना पढ़ के एक्सेप्ट कर रो, क्योंकि हालेलुया आप अपना अच्छा, हालेलुया सबसे अच्छा सुवंदना देने वाला है, हालेलुया आपका अलावा हमें हालेलुया सुवंदना देने के लिए, हमें अपने प्यास को बुझाने के लिए आकाश का नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई भी जगह नहीं है, सो वी एक्सेप्ट फाइनली, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, कलीसिया का हर हल सदस्यों को, परमेश्वर का हर बच्चों को प्रार्थना करके हम भेज रहे हैं, इस हफ्ते का हर दिन इस बड़े शहर में आपका पंखों के तले उन्हें संभाल दीजिए, यीशु के लहू वजन से मोहर बंद करके भेज रहे हैं, चंगाई के साथ में भेज रहे हैं, मन के अंदर आनंद के साथ में भेज रहे हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम है आपने इसे किया बोल के धन्यवाद देते, स्तुति महिमा आदर हम आपको देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम है, प्रार्थना सुनो उसके लिए धन्यवाद दे दीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीषार और शायद आज जिंदगी का अग्रिम दिन तक हमेशा अपने साथ में होते रहेंगे, आमेन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल वीक, दो तीन मिनट के अंदर मलयालम सर्विस शुरू करेगा, जल्दी मलयालम सर्विस के लिए जो लोग हैं